अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्वीट डिश। आज मैं बना रही हूँ बिस्किट क्रीम ट्रफल, जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्विक बन जाता है। अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो आप उसको फटाफट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कस्टर्ड बिस्किट ट्रफल। उसके लिए जो है मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। 2 लीटर दूध के साथ जो है मैं इसके अंदर 1 कप चीनी डाल रही हूँ। ये मैंने पहले से बॉईल कर लिया है, तो अब 1 कप मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर दूँगी। एक कप चीनी मैंने डाल दी है। इसके बाद जो है मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर जो है मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, क्योंकि 2 kg मिल्क है मेरा, तो 1 kg अगर आप बना रहे हैं तो हमेशा आप 4 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। ये इसका रेशो है और ये कभी भी आपका फेल नहीं होगा। इसके अंदर जो है मैं दूध ले लिया है मैंने 1 कप। ये गर्म दूध नहीं है, ठंडा दूध है। ये मैंने दूध ले लिया है। और बस मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मेक श्योर आपका जब भी आप कस्टर्ड पाउडर का जो है ये मिक्सचर मिल्क के साथ जब बना के डालेंगे, तो आपका दूध जो है हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होगा तो आपका कस्टर्ड जो है बिल्कुल भी थिक नहीं बनेगा और थिकनेस आएगी ही नहीं उसके अंदर। दूध के अंदर चीनी डिज़ोल्व हो रही है और एक बॉइल आ जाएगा, तो मैं ये कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड कर दूँगी। और आप ये देख सकते हैं दूध के अंदर अच्छा सा बॉईल आ चुका है और मैंने ये मिक्सिंग भी सारी कर ली है इसकी। और मैं अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी मेरा कस्टर्ड का बैटर। स्लोली मैं करती जाऊंगी। इसके अंदर मैं जो है सारा ऐड कर दिया है और ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें। बस 1 मिनट मैं इसको पकाऊंगी और बस ये हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो जाएगा। आप जो है मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। मैंने बस ये नॉर्मल मीठा रखा है। 1 कप चीनी इसके लिए बहुत होती है। बस एक मैं और बॉईल आने दूंगी और हमारा कस्टर्ड हो जाएगा रेडी। ये देखिए कस्टर्ड के अंदर बबल्स बन रहे हैं, मतलब ये आपका कस्टर्ड जो है रेडी हो गया। और ये थिकनेस देखें इसकी, क्योंकि अभी तो ये गरम गरम है तो बिल्कुल ही थिक तो नहीं होगा। जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, जब आप इसको असेंबल करेंगे चीज़ों के साथ, तो ये बहुत अच्छे से लेयर्ड होकर ये बहुत अच्छा सा जम जाएगा। बस ये कस्टर्ड हो चुका है रेडी। आई होप आपने कस्टर्ड की जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कस्टर्ड। बस मैं अब इसका चूल्हा कर रही हूँ बंद और मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर हम इसकी करेंगे असेंबलिंग चीज़ों बिस्किट्स और क्रीम्स के साथ। मैं इसका चूल्हा कर रही हूँ अब बंद। कस्टर्ड जो है हमारा रेडी हो चुका है। मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब मैंने जो है टेट्रा पैक क्रीम ले ली है। मैंने ये व्हिपिंग क्रीम लिया है। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। उससे ज़्यादा मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे नहीं, ऑलरेडी मैंने जो है कस्टर्ड में जो मीठा डाला है उसको बैलेंस कर देगा। ये टेट्रा पैक क्रीम ली है। ये मैंने 2 लिए हैं पैकेट्स, 400 ml हो गए दो। एक ये जो है 200 ml का होता है। और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है आइसिंग शुगर भी डाल दिया। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम स्वीटन है तो आप फिर इसके अंदर शुगर इस्तेमाल ना करें। देखें इसकी सॉफ्ट सी पीक बन गई है। बस मुझे इतनी चाहिए क्योंकि मुझे लेयरिंग करनी है। मुझे कोई केक के लिए तो मुझे प्रिपेयर करना नहीं है, बस ये इतनी ही चाहिए। बस ये हो गया। अब हम करते हैं सारी चीज़ों की असेंबलिंग। अब स्टार्ट करते हैं असेंबलिंग। मैंने जो है मैरी बिस्किट्स ले लिए थे। कोई भी प्लेन बिस्किट्स ले रहे हैं जो सैंडविच ना हो, मतलब क्रीम बिस्किट्स ना हो। मैंने ये पैकेट ले लिए थे। मैंने एक पैकेट ले लिया था। मैं थोड़ा ज़्यादा मैं 2 बाउल्स में बनाऊँगी। अभी मैं आपको एक ही असेंबल करके बता रही हूँ। ये मैंने बिस्किट ले लिए हैं। थोड़ी सी इसकी थिक से लेयर कर रही हूँ मैं बिस्किट्स की। और इसके बाद जो है मैंने ले लिया ये कॉफ़ी। मैंने मिक्सचर बना लिया था कॉफ़ी और पानी से। 1 टेबल स्पून मैंने कॉफ़ी ले ली थी और थोड़ा सा जो है मैंने इसके अंदर पानी मिलाकर, ताकि जो है मेरी बिस्किट जो है सॉफ़्ट हो जाए। ये मैंने डाल लिया था।
अब इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिजल कर रही हूँ, ये हर्शीज़ का चॉकलेट सॉस है, मैं चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ उसके ऊपर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चॉकलेट सॉस के बाद जो है मैं इसके अंदर डालूँगी कस्टर्ड जो कि मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। मैंने ज़्यादा इसको थिक, मतलब थिक वाला कस्टर्ड नहीं बनाया है, बस पोरेबल हो इतना मैंने उसको इतना थिक किया है। एक मैंने लेयर जो है कस्टर्ड की लगा दी है। उसके बाद जो है मैं वापस से जो है थोड़ा सा बिस्किट्स डाल रही हूँ उसके ऊपर। बिस्किट्स के साथ जो है मेरे पास अब है कैरेमल सॉस, ये भी हर्शीज़ का है। हम आप कोई भी कैरेमल सॉस या आप होममेड कैरेमल भी बना सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है। चॉकलेट चिप्स हैं वो भी मैं बीच में डाल रही हूँ, ऊपर भी मैं जो है इसके अंदर डालूँगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रीम जो कि मैंने व्हिप्ड करके रखी हुई है। क्रीम क्रीम के अंदर चीनी मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है, अबाउट 1 टेबल स्पून, क्योंकि हर चीज़ में मीठा है तो फिर ये बहुत ज़्यादा मीठा पे खाने में मज़ा नहीं आएगा। बस इस तरीके से मैं सारा जो है लगा लूँगी क्रीम इस तरीके से। आप इसको फ्रीज़र में रख दें या आप इसको फ्रिज में ओवरनाइट, आप इसको जो है ये डेजर्ट्स तो आप कोशिश किया करें कि ओवरनाइट ही बना कर रखा करें, क्योंकि डेजर्ट्स बहुत अच्छे से असेंबल हो जाते हैं, बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो ये आप एक रात पहले ये काम जब आप डेजर्ट्स बनाने का कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत अच्छे से बन जाएगा। बस ये मैंने क्रीम लगा ली है, ये मेरा हो गया सारा डेजर्ट रेडी। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दूँगी ऊपर से तरीके से, और अगेन मेरे पास ये सॉसेस हैं वो ड्रिजल कर दूंगी मैं इस तरीके से। बस ये मज़ेदार से हमारा क्रीम बिस्किट ट्रफल हो गया रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिए बिस्किट क्रीम ट्रफल जो हो गया रेडी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले देखने को मिले। टिल देन अल्लाह हाफिज़।